प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश में चुनावी मेगा शो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम मोदी करेंगे प्रचार। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए सवाल, बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो माओवादी, कांग्रेस की सोच अमन नक्सल। प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर कांग्रेस माता बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं दी। दिल्ली कांग्रेस की नॉर्थ वेस्ट सीट को लेकर हुई बैठक में बड़ा बवाल, उदित राज का जमकर विरोध। उदित राज और कन्हैया का टिकट रिव्यू करने की उठी मांग, परेशान होकर प्रभारी महासचिव ने दी इस्तीफे की धमकी। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और झारखंड लोकसभा सीट के उम्मीदवारों का किया ऐलान। कांग्रेस ने झारखंड के गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे की जगह प्रदीप यादव को कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बहुत बड़ा हमला, कहा कांग्रेस कहती है देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार। राहुल का आरोप, जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं पीएम। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारकाधीश और केदारनाथ दौरे पर उठाए सवाल, बीजेपी पलटवार करते हुए बोली नवरात्र में मछली खाने वालों का सनातन धर्म से क्या लेना देना। झारखंड के रांची में विपक्षी गठबंधन की न्याय महारैली में चली कुर्सियां और डंडे। झारखंड की चतरा सीट पर बाहरी उम्मीदवार के विरोध में हुआ हंगामा। उद्धव गुट को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, कैंपेन सॉन्ग में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। इंडिया गठबंधन में पीएम पद की उम्मीदवारी पर खींचतान, संजय राउत के उद्धव को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के दावे पर पृथ्वीराज चव्हाण का पलटवार, बोले चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे सांसद। आज अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन करेंगे मुश्ताक अंतुले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आर अंतुले के दामाद है मुश्ताक अंतुले। लोकसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार, आज आगरा में सीएम योगी की जनसभा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का सियाचिन दौरा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज अरुण गोविल का रोड शो, अरुण गोविल के लिए रामायण सीरियल के सीता और लक्ष्मण भी जुटाएंगे लोगों का समर्थन। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में पार्टी, सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नीलेश कुंभानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा जल्दी ही हमारे पीओके के भाई बहन भी खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैला धुएं का काला गुबार, लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर बीजेपी का आप पर तंज, कहा चले थे दिल्ली को लंदन बनाने, इस आग के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिले जेपी नड्डा, सीबीआई जांच की मांग की। आज पूरे कर्नाटक में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई और ईडी के मामले में 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग, 19 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हिंसा की वजह से चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराए जाने के दिए थे आदेश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी का आरोप टीएमसी ने पार्टी दफ्तर में लगाई आग। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान बॉर्डर के पास से 2 पाकिस्तान ड्रोन बरामद किए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्कूटर और कार के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में स्कूटर वाले की गई जान। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला, 2 लोगों ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उपचुनाव के दौरान हिंसा, पीएमएलएन और सुन्नी